एक नागरिक के ऊपर 1,40,000 रुपए का कर्ज लाद दिया गया है। बिना मांगे आपको यह कर्ज दे दिया गया है, बिन मांगे आप कर्जदार हो चुके हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो चलिए आपको यकीन दिलाते हैं इस रिपोर्ट से, इस खबर से, क्योंकि ये चर्चा गोदी मीडिया में नहीं है। गोदी मीडिया में आपको खबरें नहीं दिखाई जा रही होगी कि आप लोगों के जेब पर कैसे डाका पड़ा है। कैसे मुबारक हो दोस्तों, आप सभी को एक और तोहफा मिला है। जी हाँ, एक और तोहफा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद जनता के लिए इतने खुशहाली भरे दिन लाई है, इतने अच्छे दिन लाए हैं कि जनता भी बोल रही है कि अब बस कर दीजिए, इतने अच्छे दिन जनता को नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक नागरिक के ऊपर 1,40,000 रुपए का कर्ज लाद दिया गया है। बिना मांगे आपको ये कर्ज दे दिया गया है, बिन मांगे आप कर्जदार हो चुके हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो चलिए आपको यकीन दिलाते हैं इस रिपोर्ट से, इस खबर से, क्योंकि ये चर्चा गोदी मीडिया में नहीं है। गोदी मीडिया में आपको खबरें नहीं दिखाई जा रही होगी कि आप लोगों के जेब पर कैसे डाका पड़ा है, कैसे भारत के हर एक नागरिक पर 1,40,000 रुपए कर्ज के तौर पर दे दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आपने तो बैंक से भी लोन नहीं लिया है, आपने किसी से उधार भी नहीं लिया है, किसी से कर्जा भी नहीं लिया है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर 1,40,000 रुपए का कर्जा कैसे है? तो चलिए सीधे और साफ लफ्जों में आपको बताएं कि 1,40,000 रुपए का कर्जा कैसे ला दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार पर, जी हाँ, भारत सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा आ गया है, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा। यह खबर सुबह से ही सर्कुलेट हो रहा है, सुबह से ही सोशल मीडिया पर कई यूजर्स लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इस खबर को तवज्जो देने वाला कोई भी मीडिया चैनल नहीं है कि वो तवज्जो के साथ आपको बताए कि कैसे गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है, लेकिन गरीबों के कमर कैसे तोड़े जा रहे हैं, आम आदमी के कमर कैसे तोड़े जा रहे हैं, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, इस पर कहीं कोई बात नहीं है। सिर्फ एक ही नाम की चर्चा आपको गूंजती हुई नजर आती है हर वक्त, हर दिन, और खबरें ऐसी होती है एक नाम को लेकर कि आप बटवा रखते हैं कि नहीं। मीडिया का काम यही है, सवाल ये नहीं पूछना कि इतना कर्ज कहां से आ गया भारत सरकार पर, सवाल ये पूछा जाता है कि आप बटुए में पैसा रखते हैं कि नहीं, आप थकते क्यों नहीं है, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, ये सारी खबरें पूछी जाती है, ये सारे सवाल किए जाते हैं। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि कैसे देश में हर एक नागरिकों पर एक बहुत बड़ी आफत आई है और इतना बड़ा कर्ज जो है देश के हर एक नागरिक पर अपने आप जो है लाद दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कर्ज जो है ये 205,00,000 करोड़ रुपए का है। सोचिए, अर्थव्यवस्था को संभालने की बात की जा रही थी, रूबिका, अंजना, सुधीर, श्वेता, चित्रा, ये सब अर्थव्यवस्था संभल चुका है, अर्थव्यवस्था इतना बढ़िया हो चुका है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया गया था और हर रोज गुणगान होता है कि देखिए कितनी तरक्की कर रहा है देश, लेकिन आज आपको ये नहीं बताएगा कि 205,00,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार पर कर्ज है और हर एक नागरिक के ऊपर किस तरीके से जो है ये कर्ज लाद दिया गया है। रणविजय सिंह पत्रकार है, वो ट्वीट करते हुए जानकारी दे रहे हैं कि देशद्रोही कह रहे हैं मोदी सरकार ने देश पर कर्ज बढ़ा दिया है, तंज मारते हुए कह रहे हैं कि देश के हर नागरिक पर 1,40,000 का कर्ज लाद दिया गया है। इन देशद्रोहियों को लगता है इस बात से हमें फर्क पड़ेगा, अरे हमने शेर पाला है, शेर पालना सस्ता थोड़े ना होगा, शेर के लिए घर बेच देंगे, क्या बात करते हैं, इस तरीके से जो है तमाम लोग जो है वो ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज तक की ये खबर है, आज तक की ये खबर देखिए क्या है कि भारत पर बड़ा कर्ज का बोझ, 205,00,000 करोड़ पहुंचा आंकड़ा, IMF ने किया है अलर्ट। जी हाँ, IMF ने खुद ये अलर्ट किया है कि कैसे 205,00,000 करोड़ रुपए का जो है कर्ज भारत पर पड़ चुका है और हर एक नागरिक जो है इस कर्ज में डूब चुका है। सूर्य प्रताप सिंह IAS ऑफिसर हैं, वो लिखते हैं कि कर्ज के शिकंजे में फंसी भारतीय GDP और संपूर्ण अर्थव्यवस्था। GDP जो है 2021 से 2022 334.71 लाख करोड़ था, कर्ज जो है अब 205,00,000 करोड़, और वो कह रहे हैं कि देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने वाला है। जुमला है या सर्च, आप खुद ही देखिए, आप खुद ही समझिए कि किस तरीके से जो है बार बार लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और जुमला जो है वो किस तरीके से हम लोगों के सामने लाकर रख दिया जाता है कि देखिए हम जो है देश हित के लिए काम कर रहे हैं, देश में जो है किस तरीके से लोगों का भला हो रहा है। 2014 में दोस्तों यही जो लोन था ये 54 लाख करोड़ का था, लेकिन अब 2,05,00,000 करोड़ रुपए का ये आम नागरिकों को लोन हो गया है। तो सोचिए किस तरीके से जो है GDP
इतनी तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक नीतियां, आर्थिक तरक्की जो है कितना तेज तरीके से भाग रहा है, लेकिन अफसोस की बात इन तमाम सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं है कि जनता जो है बेरोजगारी से बदहाल हो चुकी है। जनता के पास कमाने खाने का संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, फिर भी उनको जेब पर किस तरीके से वॉर किया जा रहा है, कैसे जीएसटी वगैरह के नाम पर पैसा लिया जाता है, इनकम टैक्स के नाम पर सरकार पैसा लेती है, लेकिन फिर भी कर्ज इतना ज्यादा पड़ रहा है, और ये कर्ज किसको और कहां जा रहा है कोई पता नहीं है, कोई गिनती नहीं है। बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा है और हिसाब लेने वाली मीडिया, सवाल पूछने वाली मीडिया, वो बटुआ और टॉनिक पर लगी हुई है, बटुआ टॉनिक करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना।